तो आज मैं करने वाली हूँ अपने मतलब अपने खुद के बालों को कट करने वाली हूँ। सो बने रहिए इस वीडियो में और देखें कैसे मैंने कट किए हैं अपने खुद के बाल। सो शुरुआत करूँगी फ्रंट के बालों से और फ्रंट के बालों को कट करने वाली हूँ। सो अगर किसी को नहीं आता ना तो इस वीडियो को देख लो, आ जाएगा और बहुत ही सरल तरीके से सिखाने वाली हूँ। सो चलिए, और घर पे कर सकते हैं। दो चीज़ों की जरूरत होगी, एक ये और एक ये, दो चीज़ों की जरूरत होगी। ये सीजर आपकी घर पे किसी के भी मिल सकती है, छोटा है, और ये कॉम कोई सा भी कॉम चलेगा वैसे तो, पर थोड़ा पतले शेप का होगा तो चलेगा, पर ये घर पे तो किसी भी टाइप के हो सकते हैं ना। कटिंग वाले कॉम तो नहीं मिल सकते हर एक के घर पे, इसलिए आपको कोई सा भी कॉम ले लेना है। मैं जो बताऊँगी तरीका उस तरीके से करूँगी आप पर। तो विदाउट वेस्टिंग बहुत सारा टाइम, सो चलिए वीडियो में चलूँगी। One, two, three, fuck it. My darling, I love you, I love you, I love you. आप लोगों को बता दूं कि किस तरीके से एक आपको छोटा सा और काम करना है। एक आपको मिरर ले लेना है जो कि आपके अगर सामने लगा है तो और अच्छी बात है, अगर आपके नहीं है तो आप इसे इस तरीके से आप इसे रख सकते हो कहीं भी। तो एक छोटा मिरर जरूर होना चाहिए। सो सबसे पहले मैं इस तरीके को इसे सेट कर दूंगी कहीं। सबसे पहले आपको दो सेक्शन कर लेने हैं इस तरीके से, तो बीच की मांग इस तरीके से आपको निकाल लेनी है। जैसा भी आपको कंफर्ट हो, जैसा भी आप निकालते हो वैसे इस तरीके से निकाल सकते हो। सो यहाँ मैंने इतने बाल लिए हैं और इनको इनको मैं इस तरीके से ईयर टू ईयर ले जाऊँगी गाइस। ईयर टू ईयर पार्टिंग होती है वैसे, पर ये जो है मेरे बाल वो थोड़े से इधर के कम हैं, इधर बड़े हैं और इधर थोड़े छोटे हैं, तो ये पूरा नहीं आ पाएगा। सो जैसे भी आपके बाल हो उसके अकॉर्डिंग करना गाइस आप। तो मैं यहाँ इस तरीके से मैंने एक सीधी लाइन ली इस तरीके से, आपको इस तरीके से एक लाइन बना लेनी है और एक क्लेचर की हेल्प से टक कर देना जिससे कि ये बार हमें डिस्टर्ब ना करे। इसी तरीके से मैं ये लेफ्ट वाला करने वाली हूँ। इस तरीके से मैं गाइस ले रही हूँ मैं सामने की ओर। मेरे बाल थोड़े से, और हाँ एक और बात बता दूँ मैं आपको जो बहुत ही ज़रूरी है। आज मैं ड्राई हेयर में कटिंग करने वाली हूँ फ्रंट की। ड्राई हेयर मैं बिल्कुल इन्हें गीला नहीं करूँगी, ड्राई नहीं करने वाली हूँ। सो अगर आपको ड्राई हेयर में नहीं आती कटिंग तो बिल्कुल ऐसे सीख लो। सो मैंने बताया सामने करने हैं सारे बाल हमें इस तरीके से। रोटेट करना है यानी एक राउंड करना है, उसके बाद ही आपको कट करना है। सो एक राउंड हमें इस तरीके से लिया और एक उंगली ऐसे करी ऊपर गए, फिर ये वाली उंगली इधर आई थी, ये वाली इधर लगाई, और उसके बाद जो हमारे बाल हैं गाइस वो आप लोग देख सकते हो एकदम सीध में है। कोई भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं रखना है। तो इधर मैंने एक न्यूज़पेपर ले लिया है, उस पर बाल चले जाएंगे तो कोई टेंशन नहीं रहेगी, आराम से कट हो जाएंगे। तो यहाँ मैं इन बालों को इस तरीके से कट करने वाली हूँ जो कि उड़ के इसी पे आए, क्योंकि ड्राई हेयर बहुत ज़्यादा उड़ते हैं। तो अभी मैंने फिक्स देख लिया है अपने बाल अच्छे तो कट रहे हैं, तो मैं थोड़ा थोड़ा इन्हें कट करूँगी। बाल थोड़े से इन्हें काटते हैं अपने चुपड़ते हैं, अब इन्हें थोड़ी सी मोचिंग डाल रही हूँ, ये बहुत ही जरूरी है और इससे बहुत अच्छा लुक आ जाता है भाई, बहुत अच्छा।
ये जो मेरे बाल कटे हैं वो आप लोग देख सकते हो, और आधे मेरे ऊपर उड़ के आ गए हैं। सो दैट्स इट, ये है फाइनल। सो अभी ये फाइनल नहीं हुआ है, इसे थोड़ा सा कट और करना है। ये जो बाल है एक्स्ट्रा जो दिख रहे हैं आप, इसे मैं कट करने वाली हूँ। बस ये मैंने कट कर दिए, अभी इधर को आगे की तरफ लाके उंगली में फंसा कर जो एक्स्ट्रा दिख रहे हैं उन्हें कट कर देना है, जो भी जितना भी एक्स्ट्रा है। सो गाइस, ये मेरा हो गया है फाइनल कट, और अभी अभी आप लोग देख लो कैसे लग रहे हैं। ये जो है वो पीछे के हैं, ये आगे आ गए हैं, ये वाले हमारे बाल नहीं थे जो हमें कट करने थे। तो आपको इस तरीके का लुक आएगा, इस तरीके से मैं घुमाऊंगी इसे, और आप लोग देख सकते हो जस्ट कट, और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और अब मैं इनको इधर भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। गाइस लेयर में आएगा हल्का सा, तो आई होप आपको पसंद आया होगा। बिल्कुल ये है गाइस का। तो वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना प्लीज प्लीज प्लीज। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।